हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा शर्मा है। स्वागत करती हूँ आपका मैं मेरे श्री नारायण ब्लॉग चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अचार। देख करके आप पहचान ही गए होंगे, मिर्चे। और इस मिर्चों को हम भरेंगे कम ही मसाले में और आसान सी ट्रिक में, जो सालों साल चलने वाला अचार है, कभी ख़राब नहीं होगा। और बिल्कुल कम मसाले में, कम टाइम में और कम मेहनत में ये हम अचार बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाना शुरू। यहाँ पर मैंने ली है 1.5 किलो लाल मिर्च, अचार वाली मोटी मोटी छाट के अच्छी सी, और इनको धो करके और साफ सूखे कपड़े से पोंछ करके मैंने इन लाल मिर्चों को धूप में सुखाया था 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे के बाद इनका पानी भी सूख गया और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। और अब हम इनके और जो इनके डंठल है ना, धूप में सुखाने के बाद 2 घंटे तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से निकल जाते हैं। और इनको निकालने की एक अच्छी सी ट्रिक है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाइए और इसको इस तरह से पकड़ के खींच दीजिएगा, तो ये आराम से निकल जाएगी, मिर्चा भी हमारी नहीं टूटेगी। इसी तरह से हमने सारे इनको डंठल को अलग कर देना है। सारी मिर्चों के डंठल हमने निकाल लिए हैं। अब चलते हैं मसालों के। यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं और हम बहुत ही कम मसालों में हम इतनी सारी मिर्चा भर करके दिखाएंगे और बिल्कुल कम मसाला लगता है। तो यहाँ पर हमने इतना सा धनिया ले लिया है, मतलब एक कटोरी भी पूरी भरी हुई नहीं है, आधी कटोरी के करीब ये सौंफ है, आधी कटोरी से भी कम हमारी ये सरसों है काली वाली। आप इसमें पीली वाली सरसों भी डाल सकते हैं, मेरे पास काली वाली थी तो मैंने ये ली है। और उससे भी कम कटोरी है ये जीरे की, हमने यहाँ पे जीरा भी ज़्यादा नहीं लिया है। और ये है कलौंजी थोड़ी सी, यहाँ पर है थोड़ी सी मेथी और यहाँ पर है हींग। अब हम अपने मसालों को भूनने की तैयारी करते हैं। मसालों में हमें सरसों को नहीं भूनना है और कलौंजी को नहीं भूनना है, इनको कर देते हैं साइड में। सबसे पहले हम सौंफ भून रहे हैं। सारे मसालों को हमको ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का भूनना है। अगर हम ज़्यादा मसाले भून लेंगे तो इनका स्वाद चेंज हो जाता है और जो इनका तेल होता है मसालों का वो भी सूख जाता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा मसालों को भूनना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मसाला भूनेंगे और निकालेंगे। मसाला हमने यहाँ पर भून लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और मसालों को हम पीसेंगे। मसाले में हमने कलौंजी को नहीं पीसना है, इसको हम साबुत ही डालेंगे, और मेथी को भी नहीं पीसना है। अगर हम मेथी को पीस कर डालते हैं तो हमारा सारा मसाला कड़वा हो जाता है, मेथी कड़वी होती है तो इसलिए स्वाद बिगड़ जाता है। अगर हम मेथी को खड़ी ही डालेंगे तो ही अच्छा स्वाद आएगा। और जो हमारी सरसों है इसको हम अलग से पीसेंगे, इसको दरदरा पीसेंगे, और बाकी जो सारा मसाला है उसको भी हम दरदरा ही पीसेंगे। मसाले को हमने पीस लिया है और मसाले को ध्यान रखना है, एकदम महीन पाउडर नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं हमने इसको दरदरा पीसा है, इसमें कुछ खड़े भी नज़र आ रहे हैं, साबुत भी। हमें इसी तरह का मसाला चाहिए जो हमारे स्वाद को और भी बढ़ा देगा। कई बार लोग कहते हैं कि एकदम महीन पाउडर बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दरदरा ही पीसना है। और इसमें हम डाल देंगे अपनी ये कलौंजी भी, और अब हम डाल देंगे अपनी जो मेथी थोड़ी सी भून के रखा था, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम मेथी को। और हमने जो अपनी सरसों पीसी थी उसको भी हमने इस तरह से दरदरा ही पीसा है, इसको भी इसी में मिला देंगे। मसाले के अकॉर्डिंग हम डालेंगे इसमें हींग, 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम हल्दी, नमक डालेंगे अपने स्वादानुसार, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। इन सब मसालों को एक बार हम अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। मसाला हमने अच्छे से मिला लिया है और एक तरफ अपने सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया गया है और इसको ठंडा करेंगे। अब जो हमने तेल गरम किया था वो ठंडा हो गया है और अब इस मसाले में हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है इसको, ना ज़्यादा तेल से गीला करना है। अब इसको एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे, अच्छे से हाथ से हम इसको
मसाले को अच्छे से तेल को मिला लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा तेल कम लग रहा है क्योंकि हमें इस तरह से देखना है कि ये अच्छे से थोड़ा सा बंध जाए, तो तेल सही पड़ा है। मसाले में हमारा तेल अच्छे से मिल गया है, देखिए कितने अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है मसाला। न हमने इसको ज़्यादा गीला किया, न ज़्यादा इसको सूखा रखा, और ये एकदम परफेक्ट है मसाला मिर्च भरने के लिए। तो अब चलते हैं अपनी मिर्च की तरफ, मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब बारी आती है उस ट्रिक की, उस आसान सी ट्रिक की, जो हमारे कम मसालों में हम इतनी ढेर सारी मिर्च भर के तैयार कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जो पीछे का डंठल निकाल के और इसके यहाँ से मसाला भरते हैं तो मसाला ज्यादा लगता है। आजकल मिर्च भी मार्केट में बड़ी बड़ी आती हैं, कितनी छोटी छाट के ले आओ लेकिन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इस यहाँ डंठल निकाल करके मसाला भरेंगे तो ज्यादा मसाला लगता है और हमको इसको फुल भरना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हम लगाएंगे यहाँ पे कट बीचों बीच। इस तरह से हम इनको मिर्च को कट कर लेंगे, सारे मिर्च को हम इसी तरह से कट करते जाएंगे और रखते जाएंगे किनारे। और इस ट्रिक को आजमाने से हमारा मसाला बहुत कम लगता है और अच्छा भी बनता है, और मिर्च कभी खराब नहीं होगी आपकी। जो अचार आप बनाएंगे मिर्च वाला, सालों साल चलने वाला है। इस तरह से हम सारे मिर्चों को कट लगा लगा के साइड में रखते जाएंगे। सारी मिर्च को हमने कट लगा करके इस तरह से रख लिया है एक तरफ से। अब हमारा मसाला भी हम इसमें भरना शुरू कर देंगे। अब हम एक ऐसे मिर्ची उठाएंगे और अपना मसाला इसमें भर देंगे इस तरह से, थोड़ा सा दबा दबा के भर देना कि मसाला बाहर हमारा ना निकले। और ये देखिए, बस एकदम ऊपर तक मत भरना, इस तरह से रखना ताकि मसाला हमारा अंदर ही रहे, बाहर निकल के न आए। इस तरह से हमको अपनी सारी मिर्च भर के तैयार करना है। तो देखा कितनी आसान ट्रिक है मिर्च भरने की, और कम मसाले में भर करके हमारी मिर्च सारी तैयार हो जाएंगी। एक और आसान ट्रिक है जो वो लास्ट में यूज होगी और लास्ट में मैं बताऊंगी, तो इसलिए आप वीडियो को फुल देखिएगा और लास्ट वाली ट्रिक को भी आप आजमाइएगा, तो आपका अचार का कलर भी अच्छा आएगा उससे और खराब भी नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक तो जरूर करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आसान सी ट्रिक अचार वाली कैसी लगी। तो इसी तरह से हम सारा भर के अपना मिर्च तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी कम मेहनत में, कम मसाले में और हमारी ढेर सारी मिर्ची भर करके हमने तैयार कर ली है। एक जो अब लास्ट वाला जो काम करना है वो, या तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप धूप में रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर नहीं टाइम है तो आप डायरेक्ट कोई भी कांच का बर्तन लीजिए, डब्बा लीजिए, या जो चीनी माटी के बर्तन आते हैं वो लीजिए। आप प्लास्टिक के डब्बे में भी रख सकते हैं, अचार आपका खराब नहीं होगा। मैं डालूंगी इस कांच के बर्तन में। जो हमने तेल सरसों का गरम किया था, जो ठंडा हो चुका है, अब उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, कसूरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, जो कश्मीरी लाल मिर्च आती हैं, मतलब जो ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, अगर आप तीखी भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इस सरसों के तेल में हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। इससे क्या होगा, हमारे अचार का अच्छा सा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा रहता है, खराब भी नहीं होता है। तो अब हमारा मिर्च में और तेल मिक्स हो गए हैं। अब क्या करना है, अब हम अपनी जो मिर्च हमने भरी है वो उठाना है और इसको तेल में इस तरह से डिप करना है। ये देखिए, इस तरह से डिप करना है और अपना जो जार है उसमें हमने डालते जाना है। इस तरह से सारी मिर्च को हमने इस तरह से डिप करना है और अपने जिस भी डब्बे में आप डालना चाहते हैं उसमें आप डाल के रख सकते हैं। एक पूरे डब्बे में हमने भर लिया है, जितना हमारे इस जार में आया है मेरी इतनी ही आ पाई है, और बाकी के मैं दूसरे जार में डालूंगी। और जो बचा हुआ तेल है वो भी हम थोड़ा सा
ऊपर डाल देंगे इसके। और अब ढक्कन का बंद करके इस मिर्चे के अचार को हम एक हफ्ते के लिए धूप में रखेंगे। ना इसको छुएंगे ना छेड़ेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक हफ्ते के लिए आप धूप में रखो। उसके बाद आप मन चाहे तब अचार खा सकते हैं और ये कभी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलने वाला अचार है और बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।